आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज का हमारा यह विषय है कि क्या मसीहियों को नृत्य करना चाहिए या नहीं? क्या मसीह विश्वासी किसी भी गाने पर नाच सकते हैं? यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, हमें खुश रहने के लिए स्वयं परमेश्वर ने कहा है, फिलिप्पियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। उक्त पद से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुश रहे, आनंदित रहे। तो अब इसमें परेशानी क्या है? प्रियो, इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ादी के बाद लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास का दृश्य था। वे सब पूरी तरह से गुलामी से आज़ाद हो चुके थे, तो उनका यह कर्तव्य था कि जिसने उन्हें गुलामी से आज़ाद करवाया उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए वे सब प्रभु के लिए खूब नाचे गाए। मूसा की बहन मरियम उन सबकी अगवा थी। हाथों में डफली, झांझ और बाजों के साथ वे खूब नाचे और उनके नाचने से परमेश्वर भी बहुत खुश हुए थे। इससे यह पता चलता है कि हमारे नाचने गाने से हमारे परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है। प्रियो, यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है, उनका यह नाचना गाना परमेश्वर की महिमा के लिए था। इसराइली पूरी तरह से अपने परमेश्वर के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए उनकी स्तुति कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर भी उनसे बहुत खुश थे। एक जगह पर राजा दाऊद और उनके साथ समस्त प्रजा भी झांझ बाजों के साथ नाच रही थी। जब पलिश्तियों के देश से यहोवा का संदूक राजा दाऊद वापस अपने राज्य ला रहा था, तब राजा के साथ सारी प्रजा भी खुशी के साथ गाने को गाते नाचते जा रहे थे। दाऊद तो इतना खुश था कि वो इतना नाच रहा था कि वो भूल ही गया था कि वो राजा भी है। और उसके इसी तरह से प्रभु की स्तुति में नाचने गाने की वजह से यहोवा परमेश्वर उससे बहुत खुश थे। राजा दाऊद की पत्नी मीकल को जब राजा का यह नाचना पसंद नहीं आया, वो उसे धिक्कारने लगी कि राजा होकर भी कौन ऐसे नाचता है। प्रियो, आपको बताते चले कि मीकल पूरी जिंदगी कभी माँ नहीं बन पाई। इस तरह से नाचने से यहोवा परमेश्वर बहुत प्रसन्न थे। प्रभु की स्तुति में हमें इतना खो जाना है कि हमें अपनी पदवी की कोई चिंता नहीं करना है, बस अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करना है, उनके सामने नम्र बनना है। नए नियम में प्रभु यीशु के यरूशलेम मंदिर में आने के स्वागत के दौरान वहाँ के लोगों ने यीशु के लिए उत्सव किया। उन्होंने मार्गों में अपने कपड़े बिछाए और गाते हुए यीशु की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर वहाँ पर भी उन लोगों से बहुत खुश थे। परंतु एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों का नाचना गाना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसराइलियों को 10 आज्ञाएं देने के लिए जब मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया और 40 दिन तक मूसा वापस नहीं लौटा था, तब इसराइलियों ने हारून से कहा कि हमें नहीं मालूम कि मूसा का क्या हुआ, इसलिए हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। हारून ने जब उन स्त्रियों से सोने की बालियों को मांग कर आग में डाल दिया, तब एक सोने का बछड़ा बन गया। तब इसराइली उस बछड़े के सामने खूब नाचे, उसके आगे होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। उन लोगों ने जीवित परमेश्वर का स्वरूप बछड़े के साथ तुलना कर दिए। उन्हें लगा कि यही हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाया है। दिन में बादल का धुआं रात में धधकती आग का खंभा बनकर जो परमेश्वर उन्हें अपने साथ लिए चला, वे उसे छोड़ बछड़े को अपना परमेश्वर समझकर नाच रहे थे। अब ये उनकी नादानी कहे या जानबूझकर किए गए काम, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत काम कर डाला था। यह घटना इसराइल के इतिहास का सबसे निराशाजनक अंश है जहाँ पर परमेश्वर उनके नाचने गाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। प्रियो, प्रत्येक तरह का नृत्य कोई पाप का उदाहरण नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हम नाचते गाते उनकी महिमा करते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा है, परंतु इन बातों में भी हमें सतर्क रहना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे नाचते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वही पवित्र आत्मा जो पेंटिकोस्त के दिन चेलों पर आ ठहरा था और वे सामर्थी बन गए थे। प्रभु यीशु के लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं किए। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी महिमा के गीतों के दौरान यदि हमारे उल्टा सीधा कपड़ों की वजह से कोई भाई या बहन ठोकर खाता है,
या हमारे नाचने के दौरान यदि कोई पाप में फंसता है तो प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा जरूर करना है, लेकिन अपने कपड़े और अपने पर भी संयम करके ही परमेश्वर की स्तुति करें। आपके वस्त्र सुहावने होने चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो, क्योंकि परमेश्वर हरेक कामों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। अब बात आती है एक मसीहियों को फिल्मी गानों पर नाचने की। तो प्रियो, आप और हम अच्छे से जानते हैं कि फिल्मी गानों के लिरिक्स या उनका बोल कैसा होता है। हम जानते हैं कि फिल्मी गानों में परमेश्वर की महिमा तो बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या आपके इस तरह से नाचने पर और गाने पर परमेश्वर खुश होंगे? जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो अपने चप्पलों को बाहर ही उतारते हैं, ताकि गंदी चप्पल घर के अंदर ना आए और घर साफ सुथरा रहे। तो प्रियो, हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का, जिंदा परमेश्वर पिता की आत्मा का मंदिर है, हम उसे कैसे गंदा कर सकते हैं? यह हमें स्वयं से पूछना है। क्या बाइबल में कहीं पर भी हमें फिल्मी गाने जो परमेश्वर की महिमा के बोल बिल्कुल भी नहीं हैं, हमें ऐसे गानों को नाचने की इजाज़त देगा? इसराइली भी तो बछड़ों के सामने नाच रहे थे अपना परमेश्वर समझकर। तो क्या हम भी ऐसे गानों में नाचें जो हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए बिल्कुल भी नहीं हैं? अब हम जो मसीही हैं, हमने क्रूस पर अपने पुराने स्वभाव को, जो पाप में था, उसे उतार डाला है। हमारे अंदर शुद्ध परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमारे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। इसी मुंह से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और वह ठीक भी हो जाता है, और इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना चर्च में करते हैं। तो हमें कभी भी अपने मुंह से कोई भी ऐसे गाने, कोई भी ऐसी बातें जो वचन के खिलाफ हो, कभी नहीं करना चाहिए। हमें सारी खुशी परमेश्वर स्वयं देते हैं। वो हमें अपने आनंद से भरते हैं, इसलिए हमें सिर्फ अपनी परमेश्वर की महिमा करना है। प्रकाशित वाक्य 3:15 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। इसलिए प्रियो, अपने मुंह से और अपने शरीर से यह निर्णय करें कि हम किसकी आराधना करेंगे। हमें खुशी और आनंद मसीही भक्ति में मिलता है या सांसारिकता में? कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी तो पार्टियों में थोड़ा नाच गा लेते हैं, जिससे कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल बताती है कि तुम्हारी ज्योति सब मनुष्यों के सामने चमके, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। इसलिए हमें ऐसी जगहों पर भी अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे परमेश्वर की बदनामी हो। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।